ओके स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, लेट अस वी डू क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 ऑफ पेज 85 इन योर मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट, राइट थ्री लाइक फ्रैक्शंस विथ। आपको इसमें तीन लाइक फ्रैक्शंस लिखना है डिनोमिनेटर 9 का, यानी डिनोमिनेटर 9 रहे ऐसे तीन लाइक फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, इस तरह के आप ढेर सारे फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। इज इट्स ओके। इसी तरह विथ डिनोमिनेटर 11 लिखेंगे तो 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, इस तरह से आप लिख सकेंगे। और इसी तरह डिनोमिनेटर 15 का भी आप लिख सकते हैं, 1/15, 2/15, 3/15, 6/15, 8/15, 9/15, 10/15, 11/15, एक्सेट्रा। तो आप इसमें देख सकते हैं इस तरह से आपको लिखा गया है। ठीक, इट्स ओके स्टूडेंट्स, लेट अस वी डू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, यानी इनका सेम डिनोमिनेटर बनाना है, सेम डिनोमिनेटर बनाना है। अभी इनका देख रहे हैं डिनोमिनेटर्स 9, 3, 19, 7, 15 और 28 हैं। तो टू मेक ऑल दीज डिनोमिनेटर्स एज सेम डिनोमिनेटर वी टेक एलसीएम ऑफ दीज डिनोमिनेटर्स। हम इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो ये देखते हैं एलसीएम कैसे लिया गया है। 3, 7, 9, 15, 19 और 28 का आपको एलसीएम लेना सिखाया गया है। जो जिस नंबर से करते रहते हैं उनके क्वोटेंट नीचे लिखे जाते रहते हैं, बाकी आपको जो नहीं करते हैं वो वैसे बने रहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 लिख दिया गया, 7 नहीं कटेगा, 7 लिख दिया गया, 9 नहीं कटेगा, 9 लिख दिया गया, 15 नहीं कटेगा, 15 लिख दिया गया, 19 नहीं लिखेगा कटेगा तो 19 लिख दिया गया। अब 28 2 से कट जाता है और 4 जा आता है 14 जा यहाँ लिख दिया गया। फिर 2 से काटेंगे तो 3, 7, 9, 15, 19 नहीं कटेगा, जब 14 7 जा करके कटेगा तो 7 जा यहाँ लिख दिया गया है। अब इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं जो 2 से कटे और उसके 2 के बाद वाली संख्या 3 से इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 1 जा, ये 7 नहीं कटेगा 7 लिख देंगे, 3 3 जा 9, 9 कट जाएगा 3 जा यहाँ लिखा जाएगा, 3 5 जा 15 कट जाएगा 5 जा करके, 19 नहीं कटेगा 19 लिख दिया गया, 7 नहीं कटेगा 7 ऐसे लिख दिया गया। 3 सभी एक बार और कर सकते हैं, 3 1 जा यहाँ आ चुका है तो 1 जा लिख देंगे, 7 लिख देंगे, 3 1 जा 3 और यहाँ 5 नहीं कट रहा था, अभी 5 को ऐसे लिखेंगे, 19 को ऐसे लिखेंगे, 7 को वैसे लिखेंगे। अब ये सब संख्याएँ 3 से भी नहीं कटेंगे, अभी कटेंगे किससे, 5 से, 5 से कटेंगे तो यहाँ 1 जा, यहाँ 7 नहीं कटेगा लिख देंगे, 5 1 जा पहले से तो यहाँ 5 1 जा 5, यहाँ 19 और 7, इस तरह से। अब 5 के बाद 6 से कोई नहीं कटेगा, 7 की बात करते हैं तो 7 से आपको यह 7 और ये लास्ट वाला 7 कट जाएगा। फिर इसी तरह से आप देखेंगे तो 19 की बात होगी, अब 7 से कटेंगे 19 से कटेंगे और आपका जब लास्ट में 1 1 1 1 1 आ गया तो अब इनमें आप एलसीएम जब लेंगे तो देखो 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 19 इनके एलसीएम प्रोडक्ट्स हैं। तो इनका एलसीएम जो आप करेंगे तो 23,940 आ जाएगा, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 23,940 इनका एलसीएम आ जाएगा। जब 23,940 का एलसीएम आ गया तो ये आपका सेम डिनोमिनेटर हो जाएगा, 23,940 इनका सेम डिनोमिनेटर हो गया। जब इनका सेम डिनोमिनेटर 23,940 होगा तो सभी के डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन आएंगे उन रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर्स में मल्टीप्लाई होंगे। तो आपका होगा 5 × 2,660, 14 × 7,980, 6 × 1,260, नेक्स्ट होगा 2 × 3,420, नेक्स्ट होगा 14 × 1,596, फिर आपका होगा 21 × 850, और सबका अपान
23,940 है। अब इनकी जो रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर्स में रिस्पेक्टिव क्वेटेंट्स मल्टीप्लाई किए गए हैं उनका क्या आ जाएगा, 13,300, 1,11,720, 7,560, 6,840, 22,344, 17,955। और सबका डिनोमिनेटर अपान 23,940 आप लिख देंगे तो इस तरह से आपका इसका भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ सबका डिनोमिनेटर इसका भी डिनोमिनेटर, जैसे आप इसका लिख सकते हैं कि 23,940, ऐसे इसका भी लिख देंगे 23,940, ऐसे इसका भी लिखेंगे 23,940, और ऐसे इसका भी लिखेंगे 23,940, और इसमें भी 23,940, और इसमें भी लिखेंगे 23,940। इस तरह से हम लिखेंगे तब आपके ये लाइक फ्रैक्शंस हैं चेंज हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, दैट इज़ एनफ फॉर टुडे। द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.2 वी विल डू लेटर। दैट इज़ एनफ फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6।